दूध का कर्ज तो सुना होगा जी हाँ, ये नींद का कर्ज है और आज के डेट में ये ज्यादातर लोग नींद के कर्ज में डूबे हुए हैं या डूबना चाहते हैं, डूबने पर मजबूर हो जाते हैं। द इंटरनेट इज फुल ऑफ ब्रो साइंस, फेक नॉलेज, हाफ इंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा। Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, adab, sat sri akal, dosto, kaise hain aap? Kya hota hai sleep debt? Ji haan, doodh ka karz to suna hoga. Ji haan, ye neend ka karz hai. Aur aaj ke date mein ye zyadatar log neend ke karz mein dube hue hain ya doobna chahte hain, doobne pe majboor ho jate hain. क्या होता है ये आज हम जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। सो नींद के ऊपर बहुत ही डिटेल में सीरीज बनाई है पूरी, तो जरूर देखिएगा इस सीरीज को। और नींद क्या है, स्लीप क्या है, देखो आपको लगता होगा कि आप सोए हुए हैं लेकिन आप नींद में भी आपका ब्रेन जो है एक्टिव होता है और इतनी नींद आपको जरूर चाहिए जितनी आपके शरीर को फिजिकली और मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है, क्योंकि उस दौरान आपके बॉडी को आपके माइंड को रेस्ट की, रिस्टोर होने की, रिकवर होने का टाइम मिलता है। अगर आपको नींद ना मिले या एक अच्छी नींद से ही आप पूरे दिन भर में रहने वाले स्ट्रेस पे कोप कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बीमारियों से रिकवर कर सकते हैं। अगर आप नींद अच्छी नहीं लेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम भी आएगी और हेल्थ कंसर्न उल्टा स्ट्रेस, उल्टा आपके डिफेंसेस, इम्यूनिटी सारी वीक हो जाएगी और इवन आप कैसे सोचते हैं, कैसा फील करते हैं वो भी लो और डल फील करने लगे। तो नींद का बहुत इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। तो क्या होता है नींद के का कर्ज, स्लीप डेप्थ क्या होता है? अगर आप अच्छे से नहीं सोए हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, या ऐसा है अच्छे से नहीं सोए हैं या लंबा नहीं सोए हैं, जितना सोना चाहिए उतना नहीं, मैं तो 4 घंटे सोता हूं, मैं तो 5 ही घंटे सोता हूं, हाँ मेरे लिए ठीक है, लेकिन वो डेप्थ बनती जाती है, 2-2 घंटे की डेप्थ बनती जाती है, 3-3 घंटे। और आइडियली कितना सोना चाहिए, 7-9 आवर्स बोलते हैं। तो अगर आप 4 ही घंटे सो, 3 घंटे तो कम हो गया, 2 घंटे कम हो गया, तो फिर आप एक स्लीप डेप्थ अपना कर्ज क्रिएट कर लेते हो और ये बिल्डअप होते जाता है और एक बार ये बिल्ड होता है आपको फिजिकली और मेंटली थकान महसूस होती है। कई सारे लोग कहते हैं हम थका थका महसूस होता है सर, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं। ध्यान दो, कहीं आप सो तो नहीं रहे ढंग से, कम तो नहीं सो रहे, कहीं आपका नींद सही से तो नहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो रही है, कहीं नाइट ड्यूटी चेंजिंग शिफ्ट तो नहीं कर रहे हो। तो ऐसे में यू हैव टू ट्राई टू गेट इनफ स्लीप एवरी नाइट ताकि आप ये डेप्थ, ये कर्ज क्रिएट होने ना दीजिए। और ऐसा जरूरी नहीं है कि एक डेप्थ बन गई है तो एक दिन सिर्फ वीकेंड पे 12-12 घंटे सो लेंगे या 14-14 घंटे सो लेंगे सैटरडे संडे तो वो डेप्थ पूरा हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। टेक्निकली आपको हर रोज उस दिन की नींद पूरी होनी जरूरी हो जाती है। याद रखें, जिस प्रकार पूरे हफ्ते का खाना सिर्फ एक दिन में नहीं खा सकते, वैसे ही पूरे हफ्ते की नींद एक दिन में नहीं ले सकते आप, ध्यान रखें। सो दूसरा पॉइंट होता है, दूसरा प्रॉब्लम होता है, यू नो, नीडिंग लेस स्लीप। मतलब कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हमने अपने शरीर को आदत डाल ली है हम 4 ही घंटे सोते, हम 3 ही घंटे सोते, हम 2 ही घंटे सोते, हम तो सोते। अरे भैया ऐसा है, जनरली आपकी बॉडी, योर पीपल डोंट अडेप्ट टू गेटिंग लेस स्लीप देन वॉट दे नीड। अगर आपके शरीर को रिक्वायरमेंट है 6 घंटे की, 7 घंटे की, तो आपकी बॉडी रिक्वायर मांगेगी। अगर नहीं सोगे तो यस, जस्ट लाइक खाना, अगर आपके डेली रिक्वायरमेंट उतना है, कैलोरी रिक्वायरमेंट आपके बॉडी का, मेटाबॉलिक रेट आपका डेवलप, जो पूरे कैलोरी एक्सपेंडिचर करने के लिए, अगर उससे कम खाओगे चल तो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी जो है कैलोरी डेफिशिएंट में रहेगी, मसल मास एंड फैट मास, आपका वजन कम होता जाएगा, डेफिशिएंट होते जाओगे। सो बॉडी विल हैव साइंस एंड सिम्टम्स, बाल, हेयर लॉस, स्किन खराब, बॉडी अंदर का सिस्टम संभालने जाएगी। सेम वे अगर नींद कम की आदत डालने की कोशिश करते हो तब भी आपके जजमेंट पे, आपके रिएक्शन टाइम पे, आपके ब्रेन फंक्शंस पे अफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। बाकी सब कर पाते हो, जजमेंट करने, हाँ क्या था, अच्छा, रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है। सो देयर इज नो वे दैट यू कैन अडैप्ट टू लेस अमाउंट ऑफ फूड और लेस अमाउंट ऑफ स्लीप एज मच एज यू नीड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट विल, थोड़े दिन में कुछ नहीं होता, राइट? कुछ दिन स्किपिंग कर ली, खाना स्किप कर लिया, कुछ दिन फास्टिंग करने से कुछ नहीं होता, इट इज गुड फॉर योर बॉडी। सेम वे कुछ दिन नींद कम लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन एक ऐसा लंबे समय तक प्रॉब्लम, दैट्स द पॉइंट। उसके बाद अगर आप इसी तरीके से स्लीप डेप्थ पे ही चल रहे हो,
देन यू बिकम स्लीप डिप्राइव्ड. इसका मतलब यू आर नॉट गेटिंग द टोटल अमाउंट ऑफ स्लीप यू नीड. ठीक है, तो स्लीप डिप्रिवेशन के साइंस आने शुरू हो जाते हैं. मतलब जैसे ही आप लेटते हो तुरंत, अगर इनमें से कोई कोई साइन है, जरूरी नहीं है सारे साइन सबको आएंगे, कुछ लोगों को साइन आएगा कि स्लीप डिप्रिवेशन का, कि जैसे ही लेटे सो जाते हैं या दिन भर नींद आती रहती है, ड्राउजी फील करते हैं, या फिर कुछ कुछ माइक्रो स्लीप्स लेते रहते हो थोड़ा थोड़ा देर, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, कहीं कभी भी सो जाते हैं, राइट, वैसे इस तरीके की. और इस प्रकार की स्लीप डिप्रिवेशन डेंजरस हो सकती है, क्योंकि मान लो आप ड्राइव कर रहे हैं, कोई हैवी मशीनरी ऑपरेट कर रहे हैं, तो एक्सीडेंट हो सकते हैं, राइट. सो ध्यान रखिए, 1500 से ज्यादा डेथ्स होती हैं जस्ट इस एक्सीडेंट्स के वजह से, बिकॉज यू आर टायर्ड ऑन द रोड. अगर आप टायर्ड हो तो पुल ओवर करो, रोड पे एसी चलाओ, सो लो, आसपास कहीं रुक जाओ, बट डोंट ड्राइव इफ यू आर ड्राउजी, राइट. ड्रंक ड्राइविंग, स्लीप डिप्रिवेशन एंड ड्राइविंग सेम चीज है, सो ध्यान में रखो, डोंट बी दैट गाय. सो ये इंपॉर्टेंट है. और स्लीप इज नॉट रियली अ स्टेट ऑफ डूइंग नथिंग. ऐसा नहीं है कि वेस्ट है, टाइम वेस्ट है, नहीं, इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ. वो आपकी बॉडी को रेस्ट, रिचार्ज, रिपेयर करने में हेल्प करेगी. और यहां पर स्लीप के फेजेस होते हैं जो हमने अलग से वीडियो में समझाए हैं, जिसमें नॉन आरईएम स्लीप, आरईएम स्लीप, ये सब आपके बॉडी के, आपके हेल्थ को इफेक्ट करते हैं. स्लीप की क्वालिटी आपके हेल्थ को इफेक्ट करते हैं. आप क्या खाते हो, कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा आपका माइंड में क्या चल रहा है, हेल्थ कंडीशन क्या है, वो सब आपकी स्लीप को इफेक्ट करते हैं. तो स्लीप वाली पूरी सीरीज को जरूर देखें, नीचे या आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा उसका. ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच. एंड यहां से जाते जाते कितनी नींद चाहिए आपको समझ के जाओ. ठीक है, एक छोटे बच्चे को, इन्फेंट को, आपके 16 घंटे की नींद चाहिए. यानी एक साल से छोटा बच्चा है तो 16 घंटे की नींद चाहिए. टॉडलर है, प्री स्कूलर है, तो 12 घंटे की नींद चाहिए. टीनेजर है तो उसको 9 घंटे की नींद चाहिए. और एडल्ट है तो उसको बोले जाते हैं 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए. और कुछ लोगों को 10 घंटे की नींद लगती है, कुछ लोग 5 में भी बोलते हैं आई एम ओके, और लंबे समय तक कोई साइड इफेक्ट नहीं होता. अब वो माने नहीं कि मेरा जजमेंट कम है तो क्या कर सकते, बट ऑब्वियसली देर कैन बी सम इश्यूज विद 5 आवर ऑफ स्लीप. प्रेग्नेंट पीपल ऑफन नीड मोर स्लीप, मोर ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. तो ये वीडियो पसंद आया है आपके, क्या आप कितने घंटे सोते हो, आपके क्या विचार हैं, क्या नींद में आपको कोई इशू आ रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख के बताएं आप कितने घंटे सोते हैं. और इस वीडियो को प्लीज शेयर करें, लाइक करें, और आज तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और मुझसे कंसल्ट करना चाहें तो ये नंबर है. थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्थी.